गांव में और क्षेत्र की भाषा है तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के सरमित। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहेंगे, आज का रेस्क्यू कॉल आया है हमारे स्थानीय निवासी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी से। तो ये भैया है, भैया कैमरे में आओ एक बार। हाँ भाई, राजेश जी। सर अपना नाम पता बताओ। राजेश कुमार मजरेटा। ये मजरेटा के रहने वाले हैं, यही इनका निवास स्थान है। जैसा आप लोगों को बता दें, यहाँ पर कोई सर्प देखा गया है, उस सर्प को लेकर ये पूरा गांव भयभीत है उस सर्प को देखने के लिए और उसको सुरक्षित पकड़वाकर जंगल में छुड़वाने के लिए। तो काफ़ी भैया ये सुबह से फ़ोन कर रहे थे, तो आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए इन सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ठीक है, जो भी सर्प है अभी उसको निकालेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे उस सर्प से जुड़ी विशेष बातें। जैसा कि आप लोगों को बता दें, देखा नहीं गया है, तो लेते हैं 10-5 मिनट का वक्त, निकाल के दिखाते हैं। तो इन सभी लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूं, एक बेजुबान की जान बचाने के लिए। तो ऐसे ही प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिए, बेजुबानों को बचाने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है, आप तब तक कैमरे में अंत तक बने रहे, दिखाते हैं सर्प कौन सा है। तार से ले आई फिर ये बाहर देख रही है। बाहर आप लोगों को बता दें, ये जो इनका मकान है, ये जो रूम है, इस परिवार में छोटी सी खुशियां हैं, उन्हीं खुशियों के बीच ये सर्प आ गया है। और जैसा आप लोगों को दिखा दें, एक बार कैमरे में दिखाओ इधर आके, ये जो उपली लगी है और वो सर्प है, इसी उपली में देखा गया है। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ये उपली हटानी पड़ेगी, इसके बाद में सर्प निकलेगा, फिर आप लोगों के सामने उसको रूबरू कराएंगे। शायद इंडियन स्पेक्टल कोबरा है। ये तो कोबरा पता हूँ, है करिए फिर कोबरा का फकरी को भाई है। शांत रहो, शांत रहो, ऊपर खड़े होके दिखाओ। तुम वहीं रह गए हो, कौन रह गए? अरे आप पर दिखाई दे रहे हो, वहीं रह गए हो आप। बहुत बढ़िया है, आप जा शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, शांत रहो, शांत शांत रहो, शांत बाहर का खड़ोड़ मचा है, शांत रहो, वहीं रह गए हो। अरे हे यार, नागिन 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 है भाई। देखो 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 ऊपर आएंगे, बिल्कुल आप शांत हो यार। चलो बाहर निकलो, बाहर बाहर काम करो, सभी लोग काम काम करो। भाई राघव शांत रहो, जो हम कुछ बोल पाए बाबू। चुचुरा चुचुरा कोई बोलिए नहीं। आप लोगों को बता दें, ये इंडियन स्पेक्टल्ड कोबरा और ये फीमेल है, जिसे नागिन अक्सर गांव में और क्षेत्र की भाषा है। तो इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। जब ये सर्प काट लेता है तो व्यक्ति का नर्वस सिस्टम है, नाड़ी तंत्र, ये काम करना बंद कर देता है।
यदि समय से इलाज नहीं हुआ तो उस व्यक्ति की जान चली जाती है। तो जब ये सर्प काट लेता है तो कोई भी बिरवा, कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी मंत्र कुछ भी नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। और जो सपेरा होते हैं वो सिर्फ अपने पेट के लिए झूठ बोलकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को गुमराह करते हैं। सांप कभी दूध नहीं पीते, न बीन पे नाचते, न कभी बदला लेते हैं। सर्पों के अंदर दूध पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये दूध नहीं पी सकता। सर्प एक बूंद दूध पी लेगा उसकी मौत निश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि दूध पचाने वाला एंजाइम नहीं सर्पों के अंदर पाया जाता है। तो आप लोग शिक्षित हैं, अंधविश्वास को बिल्कुल बढ़ावा ना दें। ऐसे में होता है गलत जानकारी के कारण लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। तो जब भी ये सर्प काट ले आप जितनी जल्दी हो सके जिला अस्पताल पहुंचे, वहीं स्नेक एंटीवेनम सीरम लगेगा, तभी आपकी जान बचेगी। और ये बिल्कुल निःशुल्क कार्य, हमारे इसमें से वो डब्बा लाओ, बैग में पड़ा है। तो ठीक है, इन सभी लोगों को एक बार कैमरे में दिखाओ। ये सभी लोग बेजुबानों को बचाने के बहुत शौकीन है, सुबह से इंतजार कर रहे थे। तो इस बेजुबान को बचाने के हकदार सिर्फ यही लोग हैं, इन्होंने इतना इंतजार किया, इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसको ही लोग गांव में अक्सर पदम नांगिन के नाम से जान बोलते हैं। पूरा खाना है तो ठीक है, इसको पैक करते हैं, इंतजार खत्म हुआ। तो आप लोग भी कभी भी कोई प्राणी या सर्प आप लोगों को दिखाई दे, आप लोग दिए गए जो हमारा YouTube चैनल है आर के सर्प मित्र, उसमें डिस्क्रिप्शन बैच है, तो सभी वीडियो में मोबाइल नंबर छोड़ते हैं। जब भी कोई प्राणी या सर्प आप लोगों को दिखाई दे, आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें सूचित करें, तो हम बेजुबानों को बचाने का काम करते हैं। एनी टाइम, चाहे रात हो या दिन हो, आप मारना बिल्कुल नहीं। और जो जोगी होते हैं उनको आप कभी भी सर्प मत देना, उनको देना है इससे तो अच्छा है आप सांप को मार दो, बराबर उतना ही अत्याचार होगा उसके साथ, वो सर्प बिल्कुल नहीं बचेगा। ये 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है, सांपों को जो ऐसे हैंडल कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखकर नकल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सर्प काट लेता है तो कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं करती है। और ज़्यादा पॉइजन आपके अंदर शरीर में प्रवेश होने से सही समय से यदि जिला अस्पताल नहीं पहुंचे तो जान भी जा सकती है। तो आप लोग काफ़ी बिल्कुल ना करें। ठीक है, लेकर चलते हैं इसको दूर जंगल में, पुनर्वासित है, पर्यावरण संरक्षण के लिए बेजुबानों को बचाना बहुत जरूरी है। और बेजुबानों को मारना एक दंडनीय अपराध है, गैर कानूनी है, जेल का भी प्रावधान है। तो आप लोग बेजुबानों को बिल्कुल न मारें। और जो शांत रहो या शांत रहो, जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो बेजुबानों को बचाने के लिए आगे आए, तभी बेजुबानों को बचाया जा सकता है, जिससे अपने पर्यावरण का इको बैलेंस सिस्टम बना रहे। तो इन्हीं सब बातों को विराम देते हुए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, बेजुबानों को बचाते हुए, लोगों से अंधविश्वास दूर करते हुए। एक बार कैमरे में सभी को और दिखाओ, ये सभी लोग इस सर्प को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे, सुबह से इंतजार कर रहे थे। ये पर्यावरण को कहाँ बचाए, इनसे ही पर्यावरण बचाए। किसी का कोई सवाल रेप्टाइल से जुड़ा, सांपों से जुड़ा, तो आए कैमरे में पूछ सकता है। कोई कुछ पूछना चाहता है दादा क्या? हाँ, ये पर्यावरण को कहाँ बचाए। ये होता है कि ये इको वायलेंस सिस्टम है, जो पर्यावरण संरक्षण होता है, जिनसे हम लोग जीवित हैं, इनका काम होता है जो खेत के आसपास चूहे रहते हैं, चूहों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जब ये नहीं होंगे तो चूहों की आबादी नियंत्रित नहीं हो पाएगी, तो कोई भी फसल आप करोगे तो उसको बचा नहीं सकते हो चूहों से, इससे पर्यावरण को ये बचाते हैं। और बताओ, यही तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बेजुबान है, सभी जीवों का रहना बहुत जरूरी है, ये एक दूसरे पर आश्रित है, वो भी पर्यावरण के अंदर।
अगर पेड़ छीता नहीं है तो ये सब इको बैलेंस सिस्टम बना है पर्यावरण का। वाट बीज मंगा जाएगा और कुछ भैया? तो ठीक है, इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ एक सर की जान बचाने के लिए। लेके चलते हैं इसको दूर जंगल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।